महबूब खान की औरत की शूटिंग चल रही थी। उसमें एक किरदार था सुखी लाल, कंजूस, साजिशी और लालची सुदखोर। इसके लिए जिस आर्टिस्ट का चयन हुआ था उसका नाम था कन्हैया लाल चतुर्वेदी। राइटर वजाहत मिर्जा की सिफारिश पर उन्हें लिया गया था, लेकिन यूनिट के ज्यादातर लोग खुश नहीं थे। कन्हैया लाल को वो लोग किसी भी सूरत से एक्टर मानते ही नहीं थे। दरअसल कन्हैया लाल की अपनी एक गवई स्टाइल थी जिसे वो ओवरप्ले करते थे। देखने वालों को तो मजा मिलता ही था, एक तरह से वो कॉमिक आर्टिस्ट थे। बहरहाल आलम ये था कि सेट पर कन्हैया लाल मारे मारे इधर उधर घूम रहे थे। कोई भी उनका मेकअप करने को तैयार नहीं हुआ, सिर्फ एक आध मूछ ही मेकअप के नाम पर लगी थी। बिना मेकअप के कैमरा भी अच्छी भली सूरत बिगाड़ दे। उन्होंने परेशान होकर फोटोग्राफर फरदून ईरानी से बात की। फरदून ने उन्हें यकीन दिलाया कि मेकअप के बिना भी आपका चेहरा अपनी छाप छोड़ेगा और बाकी तो हिस्ट्री है। कन्हैया लाल हिट हो गए। इसका क्रेडिट उन्होंने वजाहत मिर्जा को दिया जिन्होंने उनके किरदार के लिए असरदार डायलॉग लिखे। अब वो बात दूसरी है कि कन्हैया लाल ने अपने अंदाज से उन्हें अदा किया। करीब 17 साल बाद महबूब ने औरत का रीमेक बनाया मदर इंडिया। सब कुछ बदल डाला उन्होंने, बस एक सुखी लाल के कन्हैया लाल को छोड़कर। इस बार वो ज्यादा ही क्रूर दिखे और वक्त गवाह है कि सुखी लाल के किरदार में कन्हैया लाल ने जान फूंक कर मदर इंडिया को क्लासिक बनाने में भरपूर मदद की थी। 1910 को बनारस में जन्मे कन्हैया लाल के पिता पंडित भैरव दत्त चौबे की अपनी सनातन धर्म नाटक मंडली थी। कन्हैया उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। उनका मजबूत पक्ष था स्क्रिप्ट और गाने लिखना। पिता की मृत्यु के बाद नाटक मंडली का भट्टा बैठ गया। कन्हैया के बड़े भाई संकटा प्रसाद चतुर्वेदी ने बंबई का रुख किया। पीछे पीछे कन्हैया भी चल पड़े, ये सोचकर कि स्क्रिप्ट लिखूंगा, डायरेक्टर बनूंगा। लेकिन सपनों की नगरी का अंदाज अलग है। बंदा जो बनने आया था वो बन नहीं पाया। कन्हैया लाल बन गए एक्स्ट्रा। एक फिल्म की शूटिंग पर हीरो मोतीलाल के पिता का किरदार करने वाला आर्टिस्ट नहीं आया, उनकी जगह कन्हैया लाल को खड़ा कर दिया गया। फुल स्केप पन्ने की स्क्रिप्ट दी गई। कन्हैया लाल ने अपनी गवई स्टाइल से पढ़ डाला। सब लोग हंसने लगे, लेकिन डायरेक्टर के दिल को वो भा गए। उनकी पगार 35 से बढ़कर 45 रुपए माहवार कर दी गई और अगली फिल्म में भी उनका प्रमोशन हो गया। पिता से दादा बन गए। औरत की कामयाबी के बाद कन्हैया लाल की छवि भले ही एक कपटी मुनीम और सुदखोर की बन गई, लेकिन उन्हें हर तरह के किरदार मिले। किरदारों की लंबाई भी बढ़ती गई। बहन में उनके लिए 4 सीन तय थे, लेकिन अंत हुआ 14 सीन पर। गृहस्थी में वो स्टेशन मास्टर राम स्वरूप है। एक दिन धनी सेठ अशोक कुमार उनके घर आ गए। वो भोजन बना रहे थे, हैरान हो गए आज फ्लैग स्टेशन पर मेल ट्रेन कैसे रुक गई। ऊंचे लोग बहुत गंभीर थे। ऑडियंस को राहत देने गुनी चंद बने कन्हैया लाल चले आते हैं। एक सीन में वो राजकुमार की गाड़ी के सामने आत्महत्या के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी को कुत्ता पालने का नहीं, उनके पीछे कुत्ता छोड़ने का शौक है। राजकुमार उनसे कहते हैं, अगर आप आत्महत्या के लिए रेलवे लाइन पर लेटे होते तो पुलिस आपको पकड़कर जेल में बंद कर देती। वो कहते हैं, बेटा मुझे रेलवे लाइन पर डालकर तुम पुलिस को फोन कर दो, जेल में बंद रहूंगा तो कुत्ते से तो बचा रहूंगा। धरती कहे पुकार के में वो सहृदय कृषक है जो छोटे भाइयों को पढ़ाने के लिए खेत गिरवी रखकर रुपया उधार लेते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम में वो जीनत अमान के गरीब और बीमार पिता पंडित श्याम सुंदर हैं, जो बेटी का जन्मदिन इसीलिए नहीं मना सकते क्योंकि उस दिन उनकी पत्नी का भी देहांत हुआ था। वास्तव में उन्होंने भांति भांति के किरदार किए। कन्हैया लाल के कुछ अन्य मशहूर फिल्में हैं
गंगा जमुना, गोपी, उपहार, अपना देश, जनता हवलदार, दुश्मन, बंधन, भरोसा, हम पांच, दादी माँ, हत्यारा, पलकों की छाव में, राम और श्याम, हीरा, तीन बहुरानियाँ, दोस्ती आदि। 50 और 60 के सालों में गांव की पृष्ठभूमि पर बनी हर दूसरी तीसरी फिल्म में वो नजर आते रहे। उनके जिस खांटी गवई अंदाज को जहां बहुत पसंद किया गया, वहीं बाद में वो उनके लिए मुसीबत भी बन गया। 70 और 80 के सालों में फिल्मों की कहानियां बदलने लगी। इसके साथ ही धीरे धीरे कन्हैया लाल भी दिखने बंद हो गए। वो बीमार हो गए, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। पैसा कौड़ी भी खत्म हो गया तो वो बनारस लौट आए। उनको बहुत शिकायत रही कि बंबई वालों ने उन्हें भुला दिया। 100 से ज्यादा फिल्मों में तहलका मचा चुके 72 साल के कन्हैया लाल 14 अगस्त 1982 को परलोक सिधार गए। तो मैं थी आपकी आरजे अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।